हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप एकदम मजे में हो गया आप सब। एप्पल ने इनवाइट्स भेज दिए हैं अपने नेक्स्ट इवेंट के, जो कि होने वाला है 10 नवंबर को। क्या टाइमिंग होगी इस इवेंट की, किस टाइम पे आप इसको देख सकते हो ऑनलाइन, क्या क्या यहाँ पे रिलीज होने वाला है, इन सारी ही चीजों की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे करो मुझे फॉलो, मेरी आईडी है आई एम हैप्पी ओजला, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट्स होते हैं मैं देता हूँ आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। और जब भी कोई इवेंट रिलीज होता है तो उसके जितने भी वॉलपेपर्स होते हैं वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ही मिल जाते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एयरपॉड्स प्रो के रिप्लेसमेंट के ऊपर। कल मैंने वीडियो बनाई थी रिकॉल प्रोग्राम, जितने भी यूजर्स हैं एयरपॉड्स प्रो के, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो फ्री में आपको नए एयरपॉड्स मिल रहे हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर चेक करो, वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मेरे पास जो मेरी रिप्लेसमेंट यूनिट है वो आ गई है, तो क्या है इन बॉक्सेस के अंदर, किस तरीके से प्रोसेस काम करती है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अभी इसको रखते हैं नीचे। इवेंट की बात करूं तो 10 नवंबर को सुबह 10 बजे है कैलिफोर्निया टाइम, जहां पे मैं रहता हूं। इंडिया के टाइम की बात करूं, क्योंकि 1 नवंबर से डेलाइट सेविंग्स जो है वो ऑन हो गई है, तो टाइम का डिफरेंस हो गया है। पहले जब यहाँ पे 10 बजते थे सुबह के, इंडिया में रात के 10:30 होते थे, अब वो जो टाइम डिफरेंस है वो 1.5 घंटे का हो गया। तो रात को 11:30 बजे 10 नवंबर को आप ये वाला इवेंट एप्पल की वेबसाइट पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। एक बार फिर से बता रहा हूँ, रात को 11:30 बजे 10 नवंबर को। और अगर आप अमेरिका में हो तो कैलिफोर्निया जो टाइम है PST उसमें सुबह 10 बजे होगा, अगर आप हो न्यूयॉर्क वाली साइड तो आप देख सकते हो 1 बजे। तो ये तो हो गए टाइम्स। अब बात करें कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इस इवेंट में, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट लीकर्स की तरफ से। कुछ चीजें जो है वो कंफर्म्ड है, जैसे कि हमें पता है ये होने वाला है एप्पल के नए सिलिकॉन मैक्स के ऊपर। एप्पल ने जून में WWDC के अंदर अनाउंस किया था कि इस साल के एंड में वो लोग हमें शोकेस करेंगे नए एप्पल के सिलिकॉन मैक्स, जहां पे अब एप्पल इंटेल की जो चिप्स हमें पहले उनके कंप्यूटर्स में मिलती थी उसको हटा रहा है और अपनी चिप्स यूज करेगा, जिसको एप्पल कहता है सिलिकॉन चिप्स। जैसे A14 A13 हमें अपने आईफोन्स में मिलती है जिनको एप्पल ही बनाता है, वैसे ही अब एप्पल के जितने भी लैपटॉप्स आएंगे, कंप्यूटर्स आएंगे फ्यूचर में, अभी सिर्फ लैपटॉप्स की बात हो रही है, उनके अंदर हमें एप्पल की सिलिकॉन चिप मिलेगी। और अगर एप्पल की माने ये जो सिलिकॉन चिप्स होंगी बैटरी एफिशिएंट बहुत ज्यादा होंगी, वो हमने आईफोन्स में भी देखा है, बहुत ही छोटे साइज होते हैं बैटरी के, बट जो बैटरी लाइफ हमें काफी अच्छी मिलती है, तो बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस हमें काफी तगड़ी मिलने वाली है इन सिलिकॉन मैक्स में। और अगर आप इस इनविटेशन का AR वर्जन देखोगे, आप इस इनविटेशन को ध्यान से देखोगे तो साफ साफ पता चल रहा है, जैसे हम लैपटॉप के लिड को ओपन करते हैं उसी तरीके से आपका ये जो लोगो है वो ओपन हो रहा है, ऊपर आपको एप्पल का लोगो बड़ा सा दिख रहा होगा। ये है AR इनविटेशन के अंदर, आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो apple.com पे जाकर। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से लैपटॉप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे रिलायबल अगर मैं लीकर की बात करूं, लव टू ड्रीम, उन्होंने आज सुबह ही ट्वीट किया जहां पे उन्होंने लिखा है 13 इंच × 2, यानी कि 2 13 इंच वाले मॉडल होने वाले हैं। और अगर आपको लव टू ड्रीम के बारे में नहीं पता, बहुत तगड़ी इनकी एक्यूरेसी है, बहुत ज्यादा सही ये चीजें प्रेडिक्ट करते हैं, बट कभी भी क्लियर नहीं बोलते हैं, सिर्फ हिंट्स देते हैं। और आज इन्होंने लिखा हुआ है 13 इंच × 2, और उसके बाद से सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूरेशियन मॉडल में भी कुछ जो मैकबुक्स हैं उनको रजिस्टर किया है एप्पल ने, और वहां पे भी 13 इंच वाले मॉडल ही हैं। तो इतना तो हम सबको क्लियर पता है कि 13 इंच का जो मैकबुक प्रो आता है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो दूसरा मॉडल है 13 इंच वाला वो या तो एयर हो सकता है मैकबुक एयर, या फिर जो मैकबुक लाइन इन्होंने खत्म कर दी थी कुछ टाइम पहले, जहां पे हमें 12 इंच वाला मैकबुक मिलता था, उस लाइन को शायद एप्पल फिर से वापस लेके आए, या फिर जो एप्पल का मैकबुक एयर है उसी के अंदर हमें सिलिकॉन चिप मिलेगी। और एक चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं, जितने भी ये लैपटॉप्स आएंगे यहां पे डिजाइन बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ जो चिप्स हैं वही हमें नई मिलने वाली हैं, जो प्रोसेसर्स हैं वो हमें नए मिलेंगे जो कि होंगे सिलिकॉन चिप्स, उसके अलावा जो लुक है वो हमें चेंज देखने को मिलेगा 2021 में। और मैकबुक प्रो मैकबुक एयर के अलावा तीसरा जो लैपटॉप है उसके भी काफी ज्यादा र्यूमर है, वो है 16 इंच वाला मैकबुक प्रो। बट अगर हम मिंगची कुओ की माने, जो कि काफी रिलायबल लीकर है, उनका कहना है कि 16 इंच वाला जो मैकबुक प्रो है सिलिकॉन वाला वो हमें देखने को मिलेगा 2021 में। अभी जो 16 इंच मैकबुक प्रो हमें मिलेगा उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा जो मिल सकता है वो है सिर्फ एक परफॉर्मेंस बम्प, जहां पे जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो अभी जो मैंने लिया था उसके अंदर हमें मिला 9th Gen वाला इंटेल का कोर i9 प्रोसेसर, अभी 10th Gen वाले जो प्रोसेसर हैं वो उसके अंदर आ सकता है। तो अभी जो लीक्स हैं वो चारों तरफ हैं, बट एक चीज कंफर्म है कि 13 इंच का जो मैकबुक प्रो है वो डेफिनेटली आ रहा है, और उसके साथ ही जो 13 इंच वाला दूसरा लैपटॉप होगा वो एयर भी हो सकता है या फिर हो सकता है नॉर्मल मैकबुक।
कंफर्मेशन अभी किसी के पास भी नहीं है, लीक्स है मार्केट में और लीक्स मैं आप तक लेके आ रहा हूं। 16 इंच मैकबुक प्रो के अलावा एक और र्यूमर है कि यहां पे हमें नया iMac देखने को मिल सकता है। अब ये जो है कुछ लीकर्स कह रहे हैं कि iMac जो है वो देखने को मिलेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं। तो अब सारा खुलासा तो तभी होगा जब हम लोग देखेंगे इवेंट 10 तारीख को सुबह 10 बजे। इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो तो आप लोग देख सकते हो रात को 11:30 बजे। और हाँ, नेपाल वाले भी, क्योंकि नेपाल के जो फैंस हैं वो काफी बार कंप्लेंट करते हैं कि भाई अब नेपाल का नाम नहीं लेते। अब अगर बात करें मैकबुक्स के अलावा यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल सकता है, जॉन प्रोसर की माने उनका कहना है कि एयर टैग्स जो है वो हमें इस इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जो इससे पहले इवेंट का इनविटेशन था वहां पे बहुत बड़ा एयरटैग का लोगो हमें दिख रहा था और मैंने वहां पे सीना ठोक के कहा था कि एयरटैग तो पक्का आएगा, तो नहीं आया। बट अभी जितने भी लीकर्स हैं वो ये कह रहे हैं, स्पेशली जॉन प्रोसर, कि एयरटैग जो है 6 नवंबर को उनके जो लास्ट टेस्टिंग फेज है वो खत्म हो जाएगा और इस फाइनल परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद 30 दिन के अंदर शिप करने लग जाता है एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को। तो 6 नवंबर को अगर खत्म हो जाता है तो 10 को इवेंट आ रहा है, उसके कुछ ही दिनों के बाद एप्पल प्री ऑर्डर स्टार्ट करेगा अपने एयरटैग्स के लिए। एयरटैग्स अगर आपको नहीं पता तो ब्लूटूथ ट्रैकर है जिनको आप अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो वॉलेट में रख सकते हो, कार कीज के साथ अटैच कर सकते हो और अपने फोन से ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे है वो चीज, तो काफी हेल्पफुल है। और अभी तक जो इस इंडस्ट्री का लीडर है वो है टाइल के ब्लूटूथ ट्रैकर्स। अब देखते हैं एयरटैग्स यहाँ पे आते हैं या नहीं। और अगर जॉन प्रोसर की ही माने उनका कहना है कि iOS का जो 14.3 वर्जन है उसके अंदर एप्पल इनेबल कर देगा सपोर्ट एयर टैग्स के लिए। अभी तक हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता आईफोन्स के अंदर अगर हम एयर टैग्स की बात करें। और कल को ट्यूसडे को अगर मैं न्यूज़ की मानूं तो iOS का 14.2 वर्जन पब्लिक के लिए रिलीज हो रहा है सुबह 10 बजे। इंडिया टाइम की बात करूं तो रात को 11:30 से 12 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहां पे एयर टैग्स के बाद बात कर लेते हैं और क्या देखने को मिलेगा। एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहां पे macOS का जो नया अपडेट है बिग सर उसकी रिलीजिंग डेट हमें मिल जाएगी, क्योंकि जून में उन्होंने शोकेस किया था, उसके बाद से कोई नामो निशान ही नहीं है कि कब हमें बिग सर मिलने वाला है अपने मैक के अंदर। तो ये डेफिनेटली हमें पता लग जाएगा 10 नवंबर को। और उसके साथ ही कुछ लोग बोल रहे हैं एयरपॉड स्टूडियो आ सकता है, एप्पल टीवी आ सकता है, जो कि काफी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि एप्पल टीवी जो है वो रेडी है शिपिंग के लिए। बट जॉन प्रोसर की माने तो उनका कहना है कि ये जो एयरपॉड स्टूडियो है और यहाँ पे जो एप्पल टीवी है इसको एप्पल ने पोस्टपोन कर दिया है अपने मार्च इवेंट के लिए। और मुझे भी नहीं लगता कि एयरपॉड स्टूडियो और एप्पल टीवी अभी आएंगे। जो चीजें मैं कंफर्म कर सकता हूं, जो ब्लूमबर्ग ने भी कंफर्म की है, पहला यहां पे है 13 इंच मैकबुक प्रो, दूसरा जो लैपटॉप है वो भी 13 इंच होगा, बट कौन सा होगा ये नहीं पता। एयर भी हो सकता है, नॉर्मल मैकबुक भी हो सकता है, ये चीजें कंफर्म है, बाकी हमें पता चलेगा इवेंट के अंदर ही। और अगर मैं बात करूं क्या प्राइस होने वाला है, तो प्राइस जो अभी है बिल्कुल सेम ही रहेगा, मैकबुक प्रो का भी मैकबुक एयर का भी 999 का मिलता है, उसी प्राइस रेंज में स्टार्ट होगा हमारा मैकबुक एयर। अगर मैं बात करूं मैकबुक प्रो की तो 1299 से स्टार्ट होता है, वही सेम प्राइस रहेगा मैकबुक प्रो सिलिकॉन चिप का। और मैं अभी श्योर नहीं हूं कि मैं ये नए मैकबुक्स लेने वाला हूं या नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले टॉप ऑफ द लाइन जो इनका आता है 16 इंच मैकबुक प्रो 9 जन इंटेल प्रोसेसर वाला वो लिया है 5000 का, उसके बाद मैकबुक प्रो लिए हैं दो। तो काफ़ी सारी शॉपिंग मैंने इस साल की है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि अभी अपडेट मैं करूंगा, बाकी देखते हैं जब इवेंट आएगा कितने ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं ये वाले मैकबुक्स। ऑब्वियसली एप्पल की जो मार्केटिंग है वो हमेशा टॉप पे रहती है। और ये है सारी की सारी न्यूज़ और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एप्पल के नवंबर 10 वाले इवेंट से। कैसी लगी वीडियो, कौन सी चीज़ देखने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे बताओ कॉमेंट्स में। और अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जल्दी से करो फॉलो, मेरी आईडी है @imhappyaujla। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म, अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।